स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर सहरसा से, जहां एक बार फिर जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो अलग अलग कांडों के दो अपराधियों को हथियार व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी लिपि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि नौहट्टा थाना अंतर्गत डरहार ओपी क्षेत्र का कुख्यात अपराधकर्मी कैलाश यादव अपने घर पर आया हुआ है, जो हत्याकांड में दोषी होने पर न्यायालय से फरार हो गया था। प्राप्त सूचना के सत्यापन उपरांत ओपी अध्यक्ष डरहार अजीत कुमार के नेतृत्व में सदर अवर निरीक्षक राजमोहन गौर सहित अन्य पुलिस बल के साथ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई। गिरफ्तारी के क्रम में कुख्यात अपराधी कौशल यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस व 1 मोबाइल बरामद किया गया है। सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त कौशल यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में लूट, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधकर्मी की आपराधिक इतिहास मधेपुरा एवं सुपौल जिला से भी प्राप्त किया जा रहा है। इसी क्रम में 16 अगस्त को रात्रि 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत झपरा टोला नाथ बाबा मंदिर के पास कुछ अपराधकर्मी घटना को अंजाम देने हेतु एकत्रित हुए हैं। प्राप्त सूचना के सत्यापन उपरांत सदर थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक जयशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सदर अवर निरीक्षक पत्रिंग पासवान सहित अन्य पुलिस बल द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अपराधी अर्जुन कुमार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से 1 पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी की संलिप्तता लूटपाट जैसी घटना में होने की बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार दोनों अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डरहार ओपी क्षेत्र जो कि नहट्टा थाना में आता है, वहां पर एक काफी कुख्यात अपराधकर्मी है कैलाश यादव। पूर्व में उसके ऊपर कई केसेस भी हुए हैं और एक बार मर्डर केस के ट्रायल के दौरान 2018 में वो कोर्ट से भी फरार था। उसके बारे में मध्यरात्रि में सूचना मिली कि वो आया हुआ है अपने घर रामजी टोला। थानाध्यक्ष शरहार के द्वारा उसकी जांच की गई और साथ में रेड किया गया, जहां से रंगे हाथों कैलाश यादव को गिरफ्तार किया गया है। कैलाश यादव की का एक बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। करीब 2002 से वो क्राइम करते रहा है, उसमें हत्या जैसे संगीन मामले भी दर्ज हो चुके हैं। उसके पास से एक पिस्टल और 3 लाइव राउंड भी मिले और एक मोबाइल फोन। मध्य रात्रि में कल झपड़ा टोला जो कि सदर थाना सहरसा में आता है, एक क्रिमिनल जो कि झपड़ा टोला का ही रहने वाला है अर्जुन कुमार, उसके पास से जो है एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और 4 गोलियां जो है बरामद की गई है और ये लूटपाट जैसी घटनाओं में इसकी संलिप्तता बताई जा रही है।